Assalamualaikum बच्चों, मैं मरियम आपा एक बार फिर से आपके पसंदीदा शो इल्म का आंगन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मेरे साथ कल कुछ अजीब भी हुआ। मैं कल बाज़ार गई तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गए और थकन भी महसूस हुई। फिर घर आकर मैंने अपनी कज़न जो कि एक डॉक्टर हैं उनको फ़ोन किया। मैंने सोचा कि आजकल हॉस्पिटल जाना भी सही नहीं है क्योंकि घर रहना बेहतर है, तो जितना हो सके उतना घर रह लूँ। मैंने जब उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि मरियम, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने मुझे कुछ बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। हम ज़रा पहले आपको शाबाशी दे दें जो आपने होमवर्क करके नाम भेजे हैं और ड्राइंग्स भेजी हैं वो दिखाकर, उसके बाद मैं आपको वो मशवरे भी बताऊंगी। आइए आपको शाबाशी देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें होमवर्क करके अपने नाम भिजवाए हैं। उनमें से कुछ बच्चों के और उनके शहरों के नाम आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आयशा जफर फ्रॉम फैसलाबाद, हादिया हसन पिपला, हफ्सा अब्दुल हकीम, हिबा कराची, महनूर कराची, मरियम एबटाबाद, मीरब लाहौर, मीरब शेखुपुरा, मशहूद अहमद पिपला, साइमा मियाँ चन्नू, सनिया विहाड़ी, उम्मेहानी मियाँ चन्नू, वानिया कराची। इन सब के अलावा भी जितने बच्चों ने हमें अपने नाम भेजे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाशी। ड्राइंग का होमवर्क ये था कि आपको पिछली किस्त में जो चीज़ भी सबसे ज़्यादा पसंद आई है उसकी तस्वीर बनाकर हमें भेजनी थी। बहुत सारे बच्चों ने हमें खूबसूरत और रंगीन तस्वीर बनाकर भेजी हैं। आए उनमें से कुछ ड्राइंग्स हम टीवी पर देख लेते हैं। ईशाल ने हमें पिंकी और उसकी अम्मी की तस्वीर बनाकर भेजी है। अयान ने हमें पिंकी और जोजो बनाकर भेजे हैं। अब्दुल्ला ने हमें कायद आजम और जैनब बनाकर भेजे हैं। इंचरा खान ने मीरपुर खास से हमें हिरा और अजहर की एक ड्राइंग बनाकर भेजी है जिसमें वो दोनों गुल्लक को देख के परेशान हो रहे हैं। अबीहा शहजाद ने हमें गुल्लक बनाकर भेजा है और जोया जहांगीर ने हमें हिरा और अजहर की तस्वीर भेजी है एक गुल्लक के साथ। शाबाश बच्चों, इसी तरह हमें प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाकर भेजते रहें। शाबाश बच्चों, इस किस्त पे भी जो कुछ सिखाया जा रहा है अपनी कॉपी पेंसिल ले आएं और लिख लें, क्योंकि इस किस्त के होमवर्क में भी आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपना नाम टीवी पर देख सकें और आप हमें प्यारी प्यारी ड्राइंग्स भी भेज सकते हैं। तो बच्चों, मैं जो मशवरे की बात कर रही थी वो ये था कि उन्होंने मुझे समझाया कि मरियम, आपने वर्जिश भी करनी है और आपने अपने खाने पीने यानी अपनी ग़िज़ा का भी बहुत ख्याल रखना है। मैंने उन्हें कहा, वर्जिश तो हम सब मिलके कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, शाबाश, जारी रखें। और उन्होंने मुझे ग़िज़ा के बारे में भी काफ़ी कुछ समझाया। तो आए हम हर किस्त की तरह पहले वर्जिश कर लेते हैं और बाद में आज ग़िज़ा की बातें भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मरियम और आज की वर्जिश में हम लगाएंगे तीन किस्म की दौड़। इतनी आसान है, मैं आपको आराम आराम से सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपना टाइमर शुरू करते हैं और पहली दौड़ लगाना सीखते हैं। इस दौड़ का नाम है थ्री स्टेप रन, यानी तीन कदम के साथ हम दौड़ लगाएंगे और साइड टू साइड लगाएंगे। शुरू करते हैं अब।
1, 2, 3. 1, 2, 3. 30 सेकेंड के लिए हम इस तरह से दौड़ लगा रहे हैं। मैं अपने घुटने को ऊपर लेके जा रही हूँ और मैं साइड टू साइड अपने आप को भगा रही हूँ। इससे हम चुस्त और तवाना रहना सीख रहे हैं। कितने मजे की दौड़ है ये, कभी आपने इस तरह की दौड़ लगाई है? इस तरह की दौड़ फुटबॉल में लगाई जाती है, पता है ये बात आपको? बस थोड़ी देर और खत्म। दूसरी दौड़ इसको कहते हैं लैडर रन, यानी सीढ़ी की तरह भागना। अपने पांव इस तरह से खोले और हम शुरू करते हैं। अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर, एक ही जगह खड़े हो जाएं और इस तरह से दौड़ लगाएं। अंदर की तरफ पांव, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। कितनी आसान है ये, लेकिन करने में कितना मजा आ रहा है। सीढ़ियों की तरह हम अपने पांव को हिला रहे हैं और हम साथ साथ खुश भी हो रहे हैं, हम स्माइल कर रहे हैं। थोड़ी सी देर और रहती है और खत्म। अब आखिरी किस्म की दौड़, स्प्रिंटिंग। हमने एक ही जगह पे खड़े होना है और अपने पांव को तेज तेज हिलाना है। तैयार है? शुरू हो जाएं। एक ही जगह खड़े रहें और तेज तेज अपने पांव को हिलाएं, जितनी तेज हिला सकते हैं। इसको कहते हैं स्प्रिंट। अपने बहन भाइयों, दोस्तों, जिसके साथ भी आप कर रहे हैं ये एक्सरसाइज, उनके साथ मुकाबला लगाएं और देखें कौन सबसे तेज भाग सकता है। खड़े खड़े आगे नहीं भागना, एक जगह खड़े रह के करना है। थोड़ी सी देर और मेरे साथ रहें, किसी ने रुकना नहीं। और अब रुक जाएं। जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं, आपने रुकना नहीं है, ठीक है? अब हम यही फिर से करते हैं, तीन कदम के साथ दौड़ लगाते हैं। 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ऊपर की तरफ और घुटना आपने ऊपर लेके जाना है, अपने टोस पर रहना है और करते जाना है। थोड़ा सा और जोश लेके आए। यही एक्सरसाइज आपको आती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, तो अब आपने ज्यादा अच्छी तरह करनी है। और खत्म। दूसरी एक्सरसाइज पर आते हैं, लैडर रन, सीढ़ियों की तरह भागना है। और इस दफा हमने और अच्छे से करना है। आती है ना ये आपको एक्सरसाइज, अभी मैंने आपको सिखाई है। शुरू करते हैं। अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर, करते जाए, स्माइल करें और देखिए आप कितनी रवानगी ला सकते हैं इसमें। कौन सबसे ज्यादा अपने पांव तेज 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 मूव कर सकता है? चले जल्दी 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 जल्दी, किसी ने नहीं रुकना। थोड़ी सी देर और रहती है, तब आपने रुकना है। 5 सेकेंड और है, मेरे साथ रहे। 3, 2, 1. अब रुक जाए। एक और एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, मेरे साथ रहना है, स्प्रिंट करना है खड़े खड़े होके, ठीक है? तैयार है? आखिरी एक्सरसाइज आज की, उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। बहुत आसान सी स्ट्रेचिंग है, लेकिन अभी आप तेज भागे, जितनी तेज भाग सकते हैं, अपने टोस पर आके जल्दी जल्दी अपने जूतों को हिलाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और तेज लगाएं। कितनी तेज दौड़ लगा सकते हैं आप? चले चले जल्दी से, और साथ में मुस्कुराएं, स्माइल करें और तेज हो जाएं। और खत्म। बस अब हम दो स्ट्रेचेस करते हैं आसान से। पहले अपने आप को नीचे की तरफ लेके आए और अब एक हाथ को दूसरे टांग पर रखें और यहीं पर रहें, दायां बाजू बाई टांग की तरफ, और स्ट्रेच करें। सब मेरे साथ मिलके स्ट्रेच कर रहे हैं। कितना अच्छा है ये स्ट्रेच आपकी बॉडी के लिए, आपको पता है? मेरे साथ रहें, थोड़ी सी देर और रहती है, स्माइल करें और मुझे बताएं आज का दिन कैसा गुजरा सबका। बीच में आने का टाइम आ रहा है, हम वेट करते हैं। और यही एक्सरसाइज अब हम दूसरी साइड पे करते हैं, दूसरी टांग की तरफ। रेडी हैं? हाथ लेके जाएं टांग की तरफ और स्ट्रेच करें। उम्मीद है कि सब बच्चे घर पे फारिग नहीं बैठ रहे, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप की हेल्प कर रहे हैं,
और वर्जिश कर रहे हैं और अपनी सफाई का ख्याल रख रहे हैं, ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी देर और इधर रहते हैं, मेरे साथ रहें। खत्म होने जा रहा है हमारा टाइम और खत्म हो गया। वेल डन, बहुत खूब, अपने लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छी वर्जिश की आपने, उम्मीद है कि आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं और वर्जिश के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगली दफा, अल्लाह हाफिज। शाबाश बच्चों, 5 मिनट वर्जिश करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे जरा थक गए हैं अब वो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि अब बारी है कहानी की। और आज की जो कहानी है वो हमारे एक दोस्त हादी के बारे में है। हादी अपने आप से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और वो मुख्तलिफ तरीकों से और कई तरह की ग़िज़ा खा के अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो आए जरा कहानी आंटी सानिया से ये हादी की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया और मैं आपको सुनाती हूँ वो कहानियाँ जो मुझे पसंद होती हैं। वैसे आपको अगर कोई कहानियाँ पसंद हैं तो वो भी सुना सकती हूँ कभी कभी, ज़्यादा कहानियाँ मेरी पसंद की, मेरी पसंद। छोटू, मुसन्निफ़ा हैं राबिया मुइन और मुसव्विरा हैं ईशा मसूद। तो जनाब छोटू की कहानी है कुछ यूं। क्या करूँ मैं, कैसे पढ़ूँ मैं, इतना सा ही रह जाऊँगा तो सब कहेंगे कि इतना छोटा सा हूँ मैं। हादी ने बेचारगी से अपने आप को शीशे में देखते हुए कहा। शायद ऐसे लंबा हो जाऊं मैं, हादी ने लटकते हुए मानो से कहा। मानो ने खामोश रहने में बेहतरी जानी। लटकते लटकते हादी ने देखा कि उसकी तरफ असलम भाई चलते हुए आ रहे हैं। असलम भाई मोहल्ले के मशहूर पहलवान थे। ऐसे कुछ नहीं होगा बच्चू, तुम जो खाओगे वही बनोगे, असलम भाई ने हादी को हंसते हुए मशवरा दिया। असलम भाई की बात में दम तो है और लंबा होने का ये तरीका भी आसान है। ये सोचकर हादी को आया जोश और वो ग्लास पे ग्लास दूध पीता गया, अंडे पे अंडे खाता गया, तरह तरह के मेवे किलो पे किलो खाकर ख़त्म कर दिए और तो और दुकान से 2 तली मछलियां भी लाकर खा गया। अगले दिन उठकर देखा तो हादी लग ही नहीं रहा था, लंबा सा एक खंबा लग रहा था। मैं तो इतना लंबा हो गया, ये टोटका तो काम कर गया, हादी खुशी से चिल्लाया। लेकिन हादी को देखकर मानो की तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। लेकिन ये क्या, तिनके जैसा पतला लग रहा हूं मैं, अब सब मेरा और भी मजाक उड़ाएंगे, हादी ने मायूस होकर कहा। एक काम करता हूँ, चिकनाई वाले खाने खाता हूँ, हादी ने खुद से कहा और जल्दी से एक पूरी बोतल तेल की पी ली। मक्खन की 5 टिकियां खाई, चीनी की 7 थैलियां फाकी और पनीर के 10 टुकड़े हड़प कर गया और फिर उस सब को हजम करने के लिए 5 बोतलें कोल्ड ड्रिंक भी गड़प कर गया। रात तक हादी गुब्बारे की तरह फूल चुका था और अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। मानो भी उसको देखकर अफसुर्दा हो रही थी। हाय रे, ये तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है, अब तो लोग गैंडा बुलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, हादी ने परेशानी से कहा। फिर हादी को एक हल सूझा, उसने सोचा सब्जी और फल तो बेहतरीन ग़िज़ा हैं, वो खाऊंगा तो शायद फिर से ही हो जाऊंगा। हादी धीरे धीरे से बावर्ची खाने की तरफ गया और एक दर्जन केले,
6 आम, 3 सेब और एक बड़ा गुच्छा अंगूरों का खा गया। फिर उसे 5 गाजरें और 3 खीरे नजर आए, तो वो भी खा लिए और ताजगी के लिए कुछ पुदीने के पत्ते भी चबा लिए। अगली सुबह हादी उठते ही शीशे की तरफ भागा और ये देखकर खुशी से झूम उठा कि अब वो थोड़ा पतला भी हो गया था और कद भी अच्छा नजर आ रहा था। अब तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, अब मैं बिल्कुल सही लग रहा हूँ, हादी इंतहाई एतमाद के साथ बोला। मानो ने भी हाँ में हाँ मिलाई। रात तक हादी का कद छोटे से छोटा होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुब्बारे में से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही हो। अब वो पहले जैसा हो रहा था। कैसी? अच्छी ना? मुझे तो छोटू बड़ा ही क्यूट लगता है। आपको कैसा लगा? शुक्र है हादी वापस पहले जैसा हो गया। मानो की तरह मुझे भी उसको देख के बहुत खुशी हुई। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपको उसी हालत में पसंद करते हैं जैसे आप होते हैं। आपको उनके लिए बदलने की खास जरूरत नहीं होती। लेकिन बच्चों, मुझे ये कहानी सुन के थोड़ा डर तो लगा, और वो ये कि अगर मैं भी अपनी ग़िज़ा का सही से ख्याल ना रखूं, तो कहीं मेरा हाल भी हादी जैसा ना हो जाए कि कभी मैं भूल जाऊं, कभी मैं सूख जाऊं। ये तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि जो मुझे डॉक्टर ने मशवरे दिए हैं उनको मैं गौर से सुनूंगी और पूरी तरह उन पे अमल करने की कोशिश करूंगी। मैं वो आपको भी बताती हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि मरियम, आप एक प्लेट लें और उसके 4 हिस्से करें। जब आप 4 हिस्से कर लें तो एक चौथाई मतलब 4 में से एक हिस्सा, यानी 1/4। ऐसा करते हैं कि हम ये टॉपिक पढ़ ही लेते हैं। तो आई मैथ में हम जरा फ्रैक्शंस पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लेट की साइंस क्या है। चुन्नू, मुन्नू, पप्पू और तारा पिकनिक पर आए हैं। वो अपने साथ खाने की एक बास्केट भी लाए हैं। अरे ये क्या? इस बास्केट में तो खाने की चीजें बहुत कम हैं। सिर्फ 1 सैंडविच, 1 सेब, 1 समोसा, 1 चॉकलेट। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, चुन्नू, मुन्नू, पप्पू और तारा इन सब को फ्रैक्शन की मदद से इक्वल यानी बराबर बांट लेंगे। तारा इस स्क्वायर सैंडविच को बीच से काटेगी यानी हाफ करेगी, मगर चुन्नू, मुन्नू, पप्पू और तारा तो 4 है और ये 2 हाफ्स यानी 2 पार्ट्स हैं। अब क्या होगा? इन 2 हाफ्स को तारा अलग अलग बीच में से इक्वल काटेगी। अब ये क्वार्टर हो गया। ये 4 इक्वल क्वार्टर्स यानी 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अब ये चुन्नू, मुन्नू, पप्पू और तारा आराम से खा सकते हैं। क्या इस समोसे को चुन्नू इक्वल पार्ट्स में बांट सकता है? सोचे सोचे। चले मैं चुन्नू की मदद करती हूँ। ये समोसा ट्रायंगल जैसा है, तो चुन्नू इसको सिर्फ ऊपर से नीचे ही काट सकता है, यानी 2 हाफ्स में। अगर वो दाएं से बाएं काटेगा तो वो अनइक्वल होगा, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से छोटा होगा, और हमें तो समोसा इक्वल पार्ट्स में चाहिए। पप्पू चॉकलेट को इक्वल पार्ट्स में कैसे करेगा? चॉकलेट रेक्टेंगल की तरह है और पहले से 4 इक्वल पार्ट्स में है। बस पप्पू इसको आराम से 4 पार्ट्स में कर लेगा। क्या आपको पता है कि पप्पू इस चॉकलेट को ऐसे भी पार्ट्स में कर सकता है?
मुन्नू ने सेब को देखा और सोचा कि ये तो कुछ कुछ सर्कल जैसा है। आप इसकी मदद करें और बताएं कि वो इसके टू हाफ्स करे या फोर क्वार्टर्स। सेब के टू हाफ्स भी हो सकते हैं और फोर क्वार्टर्स भी, यानी सेब का टुकड़ा सबको मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स वाली शेप्स को अलग करें। शाबाश बच्चों, आपने फ्रैक्शंस भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं मेरे डॉक्टर के मशवरे की तरफ। तो मुझे डॉक्टर ने जो प्लेट का मशवरा दिया था, आइए जरा स्क्रीन पर देखते हैं कि प्लेट को चार हिस्सों में तकसीम करके उन हिस्सों में क्या कुछ आ सकता है। चलिए, चार हिस्सों में से एक हिस्सा सब्जियों का है। आप कई सारी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, बैंगन, पालक, शलजम, कितनी सारी सब्जियां हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सब्जियां शामिल रखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लेट के दूसरे हिस्से में है फल। कुदरत ने हमें बहुत सारे फल दिए हैं, जिनमें क्या कुछ आता है, सेब, केला, अमरूद, अनार, अनानास, बहुत सारे फल आते हैं। अगर आप थोड़े बहुत फल भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा फल खुद ही खा लें, आप अपने बहन भाइयों और घर वालों के साथ मिलकर खाएं ताकि सबको फ़ायदा हो। तीसरा खाना है अनाज का, जिसमें आटा, मैदा, चावल, रोटी की बहुत सारी इकसाम, सब कुछ आ जाता है। ये भी ग़िज़ा में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जल्दी जल्दी बड़े हो सकें। प्लेट का चौथा हिस्सा है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स भी हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद हैं, और प्रोटीन्स में क्या कुछ आता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मुर्गी, दालें, गोश्त, अंडा, मछली, ये सब चीज़ें प्रोटीन्स में आती हैं। तो अगर आपकी प्लेट में फल, सब्जियां, प्रोटीन्स, अनाज, ये सब चीज़ें होंगी तो इसका मतलब है कि आपकी ग़िज़ा अच्छी है। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर हमारी ग़िज़ा में इन चारों हिस्सों में से कुछ ना कुछ शामिल होगा तो इसका मतलब है कि हम अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है और कोई एक हिस्सा ऐसा है जो हम खा ही नहीं रहे, इसका मतलब है कि हमारी ग़िज़ा में बेहतरी की ज़रूरत है ताकि हम चुस्त और मज़बूत रह सकें। आपको पता है, जब मैंने ये प्लेट देखी और देखा कि एक हिस्से में इतनी सारी सब्जियां हैं, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, जो मैं बाजार से चिप्स लेके खाती हूँ वो भी तो इसमें आएंगे ना, क्योंकि वो आलू के बने होते हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, वो चिप्स इतने सारे तेल में बनते हैं कि उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो तो उल्टा नुकसान देते हैं। इसलिए बेहतर है कि जो हम बाहर से पैकेट वाली चिप्स लेकर खाते हैं वो कम से कम खाएं, और जो खालिस ग़िज़ा है वो ज़्यादा खाएं। उन्होंने ये भी समझाया कि दूध और पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के लिए तो ये इतना अहम है कि उसके बगैर बड़े हो जाएंगे तो ताकत ही नहीं आएगी। तो बच्चों, हमें डॉक्टर ने क्या कुछ सिखाया कि हमने वर्जिश करनी है और खालिस ग़िज़ा खानी है जो हमें ताकत भी दे। अब वर्जिश हमने आज की तो है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने हमें इतना कहा है करने के लिए तो थोड़ी और कर लेते हैं। और साथ साथ हम इंग्लिश का एक टॉपिक जो कि है एक्शन वर्ड्स, यानी वर्ब्स, वो भी पढ़ लेते हैं। Hey friends, are you ready? I say walk, stand,
Let's do some more actions. Are you ready? I say wave, clap, dance and fly. Cry, clap, dance and fly. Play, clap, dance and fly. Draw, clap, dance and fly. Kick, clap, dance and fly. Look, clap, dance and fly. Knock, clap, dance and fly. Shout, clap, dance and fly. These are action words. These are action words. You can call them verbs. Yes, you can call them verbs. अभी प्ले स्टोर से ताली मेहबा डाउनलोड करें। शाबाश, आपने एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स भी सीख लिए। याद है हमने पहली किस्त में फेल किए थे। फेल जो उर्दू में है वही एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स इंग्लिश में है। बच्चों हम जरा स्क्रीन पर देख के दोहराते हैं कि आज हमने कौन कौन से एक्शन वर्ड्स पढ़े हैं और एक उनमें ऐसा वर्ड है जो मेरा पसंदीदा है। वो शायद अभी तक आपने देखा या सुना ना हो लेकिन मैं आपको उसके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगी। तो आइए जरा स्क्रीन पर हम एक्शन वर्ड्स दोहरा लेते हैं। वॉक, रन, ईट, राइट, लाफ, डांस, एक्सेप्ट। शाबाश बच्चों, आपने आज कितने सारे एक्शन वर्ड्स सीख लिए। मैंने आपको बताया था ना, इन एक्शन वर्ड्स में से एक वर्ड ऐसा है जो मेरा पसंदीदा है। वो शायद आपने पहले ना सुना हो। आपको पता है वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी मानना या कबूल करना। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हमारे से मुख्तलिफ भी बहुत सारे लोग हैं और कई लोग हैं जो हमारे जैसे भी हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हम उन्हीं लोगों से प्यार करें जो हमारे जैसे हैं। जो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं उन्हें एक्सेप्ट करना और उनकी इज्जत करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से भी बहुत प्यार से मिलें और उनका दिल ना दुखाएं। अब जैसे हादी का दिल कितना दुख रहा था कि वो वैसा नहीं है जैसा वो होना चाहता है, लेकिन जब मानो ने उसको प्यार किया तो वो कितना खुश हुआ, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि मानो ने उसको एक्सेप्ट किया है, यानी वो जैसा है वैसा ही उसको कबूल किया है। अब कोई इंसान लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, सूखा हो, ये सब चीज़ें तो सिर्फ बाहर से नज़र आती हैं। असल बात तो ये है कि आप अंदर से कितने खुश हैं, कितने सेहतमंद हैं, कितने चुस्त हैं, ये सब चीज़ें हैं जो असल में मायने रखती हैं। और फिर इंसान वही अच्छे होते हैं जो किसी का दिल नहीं दुखाते और सबको एक्सेप्ट करते हैं। जब राय मुख्तलिफ हो तो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तभी तो असल इम्तिहान होता है। आपको पता है मेरे घर में अक्सर लड़ाई होती थी मेरे भाई से कि हम दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ। वो कहता था रोटी के साथ बेहतर है, मैं कहती थी चावल के साथ बेहतर है, और हम बस इसी बात पे लड़ते रहते थे। अगर किसी को कोई खाने की चीज़ पसंद हो और किसी को कोई और, तो ये तो इख्तलाफ राय है, लेकिन इस पे लड़ना ठीक नहीं है। ज़ैनब ने भी कुछ इसी किस्म की लड़ाई होते देखी और उसने बहुत समझदारी से अपने दोस्तों में सुलह कराई। आइए जरा देखते हैं ज़ैनब ने क्या किया। चलो फिर फाइनल करो, क्लास पार्टी में मेन्यू क्या होगा? पिज्जा और बर्गर के अलावा कुछ हेल्दी होना चाहिए। तीन डे खाते हैं। यक, तीन डे? हाँ, तीन डे तो बहुत मजेदार होते हैं। बैंगन करते हैं, बैंगन बेस्ट है। बैंगन? इव,
मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे टींडे और तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा ज़ैनब तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है। अच्छा फिर तुम इस बैंगन लड़के के ही दोस्त रहो। नहीं मैं किसी टींडे लवर का दोस्त नहीं हो सकता। अली और सारा भी ना, अगर लोगों को अलग चीजें पसंद है तो क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? क्या मुझे भी चुनना पड़ेगा? देखो ये कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतनी छोटी बात और इतनी नफरतें फैला रहे हैं। कायदे आजम, ज़ैनब, आजकल हम लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ी चीज बना देते हैं। लोगों में बर्दाश्त ही खत्म हो गया है, इख्तलाफ राय के लिए कोई जगह ही नहीं रही। जी कायद, आज अली और सारा भी लड़ पड़े टींडे और बैंगन पर। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अफसोस की बात है कि कोई किसी और की राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं। किसी दिन टींडे बैंगन पर लड़ाई है तो किसी दिन अपने सियासी नजरिए पर और किसी दिन अपने अकीदे पर दूसरों को मारने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह हर कोई समझे कि सिर्फ वो ही सही है तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सब एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और आखिर में हम सब अकेले रह जाएंगे। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त मुझे एक उम्मीद ये भी थी कि एक ऐसा मुल्क हो जहां हम सब पूरे इत्मीनान से अपनी राय का इजहार कर सके, चाहे हमें टींडे पसंद हों या बैंगन। फिर अब हम क्या करें? ज़ैनब, तुम अमन का दिया बन सकती हो। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। क्या कर रही हो टींडे लवर? उफ, मुझसे बात ना करो बैंगन लड़के, मुझे चिट्ठी मिली है। मुझे भी। मैंने तुम दोनों को बुलाया, तुम दोनों को ये लड़ाई खत्म करनी होगी। सही बात है, बस इसे कह के मान ले कि बैंगन टींडे से बेहतर है। कभी नहीं। बस करो, ये फजूल की लड़ाई छोड़ो। जरूरी नहीं है हम हमेशा एक दूसरे की बात माने, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बहस हो हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा। अगर तुम्हें टींडे नहीं पसंद इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा से दोस्ती ना करो, और अगर तुम्हें बैंगन नहीं पसंद इसका ये मतलब नहीं है कि अली बुरा है। चाहे हमारे जितने भी मसले हो हमें वो मसले तमीज के साथ हल करने होंगे। कायद एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ सब अमन में रह सकते थे। सारा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे से बदतमीजी की है। अली, मैं भी, मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलो गुड, लेकिन ऐसे थोड़ी सॉरी होगी। तुम दोनों को एक दूसरे की फेवरेट सब्जी ट्राई करनी होगी। ओह, तो ना टींडे बुरे होते हैं और ना ही बैंगन। बात सिर्फ पसंद की है। हर किसी की पसंद मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह जैसे मुझे दाल चावल के साथ खाना पसंद है और मेरे भाई को रोटी के साथ। अब इस पे लड़ने का तो फायदा नहीं, हमें एक दूसरे की पसंद को कबूल यानी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आए देखते हैं कि आज की किस्त में हमने क्या सीखा। आज की किस्त में हमने वर्जिश की, हादी की कहानी सुनी और सीखा कि अच्छी ग़िज़ा खाना बहुत अहम होता है। फिर हमने मैथ्स यानी रियाजी में फ्रैक्शंस का टॉपिक पढ़ा। हमने इंग्लिश के बहुत सारे एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स भी पढ़े। फिर हमने ज़ैनब से ये सीखा कि राय मुख्तलिफ हो तो एक दूसरे की राय को कबूल कर लेना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। आज का होमवर्क ये है कि आपने मेरी मदद करनी है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मेरी ग़िज़ा ठीक करने के लिए कहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कल के दिन में क्या खाया, और आप ऐसा करें कि ग़िज़ाई प्लेट बनाकर चार हिस्सों में वो सारी चीज़ें नोट कर लें, और फिर सोच के मुझे बताएं कि मुझे अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, क्या चीज़ कम।
तो अब आप सुन ले कि मैंने कल क्या खाया। कल सुबह मेरी अम्मी ने मुझे एक पराठा और अंडा बना कर दिया। वो खा कर दोपहर को जब मुझे फिर से भूख लगी तो मैंने एक केला निकाल लिया, मगर मेरी बहन को भी केला चाहिए था तो हमने आधा आधा कर लिया। फिर हमने शाम को बाजार जाके 5 रुपए की निम्को खरीदी और वो भी आधी आधी खा ली। वैसे अम्मी को नहीं पता कि हमने कल निम्को भी खाई है। लेकिन बच्चों, कल मैंने जो कुछ खाया है, यानी पराठा, अंडा, केला और निम्को, अब आप देखें कि ये रिजाई प्लेट में कहाँ कहाँ आएंगी। और ये सब चीज़ें देखकर सोचिए कि मुझे अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्या कोई चीज़ है जो कम करने की ज़रूरत है या निकालने की ज़रूरत है। ये होमवर्क करके आप किसी बड़े को दिखा दें और फिर हमें अपना नाम, उम्र और शहर का नाम SMS कर दें। हमारे जिन दोस्तों को ड्राइंग्स बनाने का शौक़ है, आज वो अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ की ड्राइंग बनाएं और हमें भेजें। कुछ बच्चों की ड्राइंग्स अगली किस्त में दिखाई जाएंगी और शाबाशी दी जाएगी। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM, इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होमवर्क करना ना भूलिएगा। हमें प्यारी प्यारी ड्राइंग्स और होमवर्क करके अपने नाम जरूर भिजवाइएगा। अल्लाह हाफिज। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM, इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।